भारतीय स्मार्टफोन मार्केट जहां स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए एक मेन मार्केट है, वहीं ई कॉमर्स साइट भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर पेश करती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की बात करें तो आपको इन दोनों ही साइट्स पर स्मार्टफोन पर उपलब्ध एक्सचेंज ऑफर और ईएमआई ऑफर्स मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 5 स्मार्टफोन्स की जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुए हैं, और फ्लिपकार्ट के एक्सचेंज ऑफर की मदद से आप इन स्मार्टफोन को आधी से भी कम कीमत पर खरीद पाएंगे। मैं आग्रह कनवाल गिजबॉट से, और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi के हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन Mi Mix 2 की, जिसकी भारत में जो कीमत है वो है 35,999 रुपये। इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। फ्लिपकार्ट पर सेल की बात करें तो ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है 35,999 रुपये में, लेकिन आपको इस पर एक्सचेंज ऑफर मिल सकता है जो कि 20,000 रुपये तक का आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको जो कीमत इसकी पड़ेगी, अगर आप 20,000 का एक्सचेंज ऑफर लेते हैं तो आपको कीमत इसकी पड़ेगी 15,999 रुपये। वहीं जो इसकी ईएमआई शुरू होती है वो 1231 रुपये प्रति महीने के शुरू होती है। वहीं Xiaomi ने हाल ही में जो भारत में स्मार्टफोन अपना Mi A1 लॉन्च किया था, ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की भारत में कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। फ्लिपकार्ट पर इस फ़ोन को आप खरीद सकते हैं 14,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर के साथ, जिसके बाद आपको इसकी कीमत पड़ेगी 999 रुपये। जी हाँ, 999 रुपये में आप खरीद पाएंगे 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का ये हैंडसेट। इसकी ईएमआई जो है वो शुरू होती है 728 रुपये प्रति महीने से। लेनोवो की ब्रांड मोटोरोला ने हाल ही में भारत में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है मोटो X4। स्मार्टफोन की भारत में कीमत 20,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको मिलेगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट। स्मार्टफोन में फ्लिपकार्ट पर जो एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध है वो है 19,500 रुपये का, जिसके बाद आपको इस फ़ोन की कीमत पड़ती है 1499 रुपये। वहीं बता दें, अगर आप इस फ़ोन को ईएमआई पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे 1031 रुपये प्रति महीना की ईएमआई से खरीद सकते हैं। हुआवे की सब ब्रांड ऑनर का भी एक जो फ़ोन हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ था, स्मार्टफोन का नाम है ऑनर 9i। स्मार्टफोन में डुअल कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन की भारत में कीमत 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की है 17,999 रुपये, लेकिन अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो आपको अधिकतम 17,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिल सकता है, जिसके बाद आपको इस फ़ोन की कीमत पड़ती है 999 रुपये। बता दें, अगर आप इस फ़ोन को ईएमआई पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को 873 रुपये प्रति महीने की ईएमआई पर ख़रीद सकते हैं। ओप्पो ने भी अपने ओप्पो F3 प्लस स्मार्टफोन का 6GB रैम वेरियंट भारत में लॉन्च कर दिया है। ये वेरियंट जो है वो 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इस फ़ोन की कीमत मार्केट में 22,990 रुपये रखी गई है। वहीं अगर बता दें, आप फ्लिपकार्ट से इस फ़ोन को खरीदते हैं तो आपको 21,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है एक्सचेंज ऑफर की मदद से। अगर आप इसे ईएमआई पर ख़रीदना चाहते हैं तो वो शुरू होती है 1,115 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो ये थे हाल ही में लॉन्च हुए कुछ स्मार्टफोन ऑफर्स जो आप फ्लिपकार्ट की मदद से ले पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें गिजबॉट का यूट्यूब चैनल।